हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए एक नया कंसेप्ट जो कि केमिकल बॉन्डिंग का होता है। बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि हम लोग सर थोड़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा दीजिए, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। काफ़ी बच्चों को इस कंसेप्ट में बहुत सारी दिक्कत होता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। जब इस थ्योरी को पढ़ोगे बेटा, हम लोग जनरली पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मैं बोलता हूँ उसको उल्टा पढ़ो। तो अगर हम उल्टा पढ़ेंगे बेटा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्योरी बॉन्ड वैलेंस। कितना आसान है देखो, वो थ्योरी जो बॉन्डिंग के बारे में बताता है कोई भी एटम का वैलेंस सेल में, है ना। वो थ्योरी जो कि ये बोलता है कि एटम जब बॉन्ड बनाएगा वो सिर्फ, मतलब कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये थ्योरी एसोसिएटेड है किसके साथ, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। ये बोलता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेगा वो सिर्फ एक एटम का वैलेंस सेल में बनेगा, है ना। तो ये पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, थ्योरी विच एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन वैलेंस सेल ऑफ एन एटम। अब इसका पोस्टुलेट जानने से पहले हम पहले इसका इसको समझते हैं अच्छे से बेटा। पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं, इसको समझते हैं, फिर हम इसका पोस्टुलेट लिखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल दिया O2। अब ये O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहां पे दो बॉन्ड बना हुआ है, ये तुम्हें पता होगा। तो अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 है, 2s2 है एंड 2p4 है। अब इसका इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा और यहां पे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कौन सा रूल के हिसाब से फिलिंग हुआ, हॉन्ट्स रूल के हिसाब से। सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, उसके बाद ये पेयरिंग हो गया। अब यहां पे बचा दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज है। अब आया दूसरा ऑक्सीजन एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन 1s2, 2s2 एंड 2p4 है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोला कि जो पेयर्ड हुआ वो तो है, अब जो अनपेयर्ड है बेटा यहां पे, तो ये दो पेयर्ड हैं तो उसको ऐसा ही रखते हैं, लेकिन जो अनपेयर्ड है बेटा उसको स्पिन जो है उल्टा करना पड़ेगा। अब ये उल्टा स्पिन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, जिन ऑर्बिटल्स में होते हैं उन ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। तो मैं ये बोलता हूं ये कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है, मतलब शादी के साथ। जैसे अगर कहीं कोई घर में ये पेयर्ड है, ऑलरेडी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है, लेकिन ये दो कुंवारे हैं यहां पे, लेट सोचो ये क्लॉकवाइज स्पिन को मैं मेल सोचा, अब वो शादी किससे करेंगे, डेफिनेटली फीमेल से। अब अगर ये स्पिन क्लॉकवाइज को हम मेल मान रहे हैं तो फीमेल किसको मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला कोई घर में कोई कुंवारा नहीं रहेगा, जितने कुंवारे हैं चाहे कोई घर में कोई ऑफिस में, तो कोई कुंवारे नहीं रहेंगे, सारे सबका शादी कर डालेंगे, राइट। तो यहां पर यह क्लॉकवाइज स्पिन का है और ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का। अब यहां पे इन दोनों के अंदर बेटा ओवरलैपिंग होगा, देखो अब यहां पे भी दोनों के अंदर ओवरलैपिंग होगा। अब ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, पहले ये पेयर्ड थे। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको पेयर्ड कर डालेंगे। तो यहां पे अनपेयर्ड दो थे, यहां पे दो अनपेयर्ड, इसका भी दो अनपेयर्ड, तो लेकिन यहां पे ये जो अनपेयर्ड था दोनों को अच्छे से देखो बेटा, इसका स्पिन ऊपर के तरफ, इसके नीचे के तरफ, ये क्लॉकवाइज स्पिन, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ये क्लॉकवाइज स्पिन, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोला जितना ओवरलैपिंग उतना बॉन्ड। देखो यहां पे कितना ओवरलैपिंग हम किए, एक और दो, और देखो कितना बॉन्ड है, दो बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये एक पोस्टुलेट आ गया। ये पोस्टुलेट क्या है बेटा, पोस्टुलेट इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो दो इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग हुआ बेटा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब द स्पिन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन ओवरलैपिंग शुड हैव अपोजिट स्पिन।
ये हुआ इसका सेकेंड पॉइंट। सबको क्लियर हुआ बेटा? तो इसका मतलब यहां पे देखो, ये एटम है, इसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट 2s एंड 2p, यहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी पेयर्ड है, यहां पे अनपेयर्ड है, लेकिन ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाए, जो अनपेयर्ड है वो बनाए, तो और एक पोस्टुलेट आ गया। तो ओनली द अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉर्म द बॉन्ड। वैलेंस सेल में बॉन्ड बनता है क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो भी बॉन्डिंग होगा, जो भी प्रोसेस होंगे, वो सारे वैलेंस सेल में ही होंगे, लेकिन वैलेंस सेल के साथ साथ जो पेयर्ड होंगे उनको हम छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी वो सेट हो चुका है। यहां पे इनका सेटिंग करना है, इसके साथ इसका सेटिंग, इसके साथ इसका सेटिंग, हो गया काम खत्म, बॉन्ड बन गए, खुश। अब अगर तुम बोलोगे सर क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस सेल में है, टोटल वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन में से और कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा? आंसर इज नो। अगर यहां पे कोई खाली ऑर्बिटल होता, जैसे यहां पे कोई खाली ऑर्बिटल होता बेटा, तो वहां पे फिर वो अनपेयरिंग होता, तब जाके बॉन्ड बनता है ना। अब यहां तक के लिए सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट। अगर हम कोऑर्डिनेट का बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं तुम्हें, तो उस केस में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये कोवेलेंट और कभी नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन हमेशा दो ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट मैंने यहां पे लिखा PCl3। अब यहां पे फास्फोरस के पास बेटा 15 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं नियन कोर लिख दूं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा, अब इसके साथ 3s2 एंड 3p3। अब यहां पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे हो गया बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्या बोला गया था, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। अब फास्फोरस के पास बेटा 3 अनपेयर्ड है और 2 पेयर्ड है। अब क्लोरीन अगर मैं बात करूं, PCl3 मतलब 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन का अगर मैं बात करूं, यहां पे क्लोरीन का लिख दूं, तो क्लोरीन बेटा 17 इलेक्ट्रॉन है, जहां पे अगेन नियन कोर आएगा। अब 3s2 एंड 3p5, 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3p5 में यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लोरीन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब एक फास्फोरस के पास बेटा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे तो 3 क्लोरीन है, तो सारे क्लोरीन को एक एक बॉन्ड चाहिए और सारे और फास्फोरस को बेटा 3 बॉन्ड चाहिए। तो होगा क्या, एक क्लोरीन अपना अपोजिट इलेक्ट्रॉन को लेके यहां पे आएगा, ओवरलैप करेगा। अब दूसरा क्या करेगा, यहां पे आके ओवरलैप करेगा, तीसरा आके यहां पे ओवरलैप करेगा, और जिसकी वजह से यहां पे बन जाएगा PCl3, जिसकी वजह से यहां पे बन जाएगा PCl3। लेकिन ये बॉन्ड बनते ही क्या होगा बेटा, अब यहां पे अट्रैक्शन तो होगा ही, तो एनर्जी तो रिलीज होगी। अब अट्रैक्शन हुआ मतलब एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज होगी बेटा, तो फिर ये क्या करेगा, जो रिलीज एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने ट्राई करेगा। जब तुम लोग सुने होंगे PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है, अब दोनों कैसे बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो NF3 बन सकता है लेकिन NF5 नहीं बन सकता है। लेकिन PCl फास्फोरस के केस में बेटा ट्राइवैलेंसी एंड पेंटावैलेंसी दोनों पॉसिबल है। ट्राइवैलेंसी का मतलब 3 बॉन्ड बनाया, इसलिए ट्राइवैलेंसी। अब PCl5 मतलब 5 बॉन्ड बनाएगा, तो पेंटावैलेंसी। तो बनाएगा कैसे, तो होगा क्या बेटा, PCl3 बन गया। अब यहां पे क्या होगा, लेट मैं यहां पे मैंने लिख दिया 3d0। यहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली है बेटा, 5 ऑर्बिटल्स है, 5 खाली है। जैसे मैंने क्या बोला था, बॉन्ड बनना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलता है कि जितने कुंवारे रहेंगे सबको शादी, सबका शादी कर डालेंगे। यहां पे 3 कुंवारे थे, राइट, 3 कुंवारे थे, तीनों का शादी हो गई। अब ये ऑलरेडी शादीशुदा था, अब घर में जब शादी का माहौल चल रहा था, 3-3 शादियां हो चुका है, तो इनको भी मन किया हम भी थोड़ा शादी कर ले, हम भी शादी तो कर चुके, बहुत दिन हो गया शादी नहीं की है, तब और थोड़ा शादी कर लेते हैं। अब उस मामले में क्या होगा, अब बताओ, अगर शादीशुदा ऑलरेडी है फिर से शादी कैसे कर सकते हैं, तो नहीं हो सकता है, तो इनको तलाक देना पड़ेगा। देखो ये इसको तलाक दे दिया है ना, ये इसको तलाक दे दिया, मतलब अब दोनों सेपरेट हो गए, अब दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। तुम बोलोगे सर ये अपने आप कैसे सेपरेट हो गया, वो तो पेयर्ड था, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो यही बोलता है अनपेयर को पेयर करना। अब पेयर तो हो चुका है, जब पेयर होने के लिए बॉन्ड बनता है,
और जो पेयर्ड था वो कैसे अनपेयर्ड हो गया? तो बार रीजन है बेटा ये, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज हुई, अब इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा पार्टिकल है, अब वो क्या करता है एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके सामने एनर्जी मिला तो फिर वो क्या करेगा एक्साइट हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे एक्साइट हो गया, एक्साइट हो गया तो क्या हो गया देखो, तो यहां पे अगेन फास्फोरस में अगर बोला 15 और यहां पे इसको मैं एक एस्टेरिक मार्क दे रहा हूं और यहां पे नियन कोर बेटा ये 10 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। अब ये 3s1 है, अब ये 3p तो ऑलरेडी हो चुका है, 3p6 क्योंकि ये 3 था, ये 3 मिल गया तो 6 हो चुका है, जहां पे मैं यहां पे लिख दिया एक और दूसरा क्लोरीन का, एक दूसरा क्लोरीन का, एक है दूसरा क्लोरीन का, है ना। अब यहां पे हो गया बेटा 3d1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ गया। अब यहां पे बेटा हो गया एक, अब यहां पे भी हो गया एक। ध्यान से सुनना, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहां पे क्लॉकवाइज तो रहा लेकिन वो जो चला गया वो भी क्लॉकवाइज का ही हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, अब बाद में और एक क्लोरीन आया बेटा, यहां पे आके ओवरलैप किया और यहां पे आके ओवरलैप किया। इस चीज को हम बोलते हैं बेटा एक्साइटेशन ऑफ द पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ इट वांट्स टू मेक द बॉन्ड, एंड फॉर दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इज रिक्वायर्ड। अगर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर से बॉन्ड बनाना चाहता है तो वो बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन पहले उसको अनपेयर होना होगा। अब अनपेयर होने के लिए खाली ऑर्बिटल का होना जरूरी है, जैसे कि यहां पे जब मैं नाइट्रोजन का बात करता, अगर अब नाइट्रोजन का ये 2s2 2p3 होता बेटा, लेकिन 2s2 2p3 है, 2d तो होता नहीं है उसके पास, इसीलिए वो चाह के भी बॉन्ड नहीं बना सकता है, लेकिन यहां पे इसने चाहा और बॉन्ड बन गया। तो क्वेश्चन आता है यहां पे जो बॉन्ड बना इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया बेटा PCl5। जब फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाया तो इसको हम बोलेंगे PCl3, जब 5 बॉन्ड बनाया तो हम इसको बोलेंगे PCl5। अब यहां पे इसका वैलेंसी जो है PCl3 में बेटा, वैलेंसी जिसको हम कोवैलेंसी भी बोलते हैं, वैलेंसी यहां पे 3 है, अब इस केस में वैलेंसी बेटा 5 हो गया, तो इसका मतलब फास्फोरस जो है यहां पे वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है। वेरिएबल का मतलब जिसने दो अलग अलग टाइप या तो एक से ज्यादा टाइप का वैलेंसी दिखाता है उसको हम वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। तो फास्फोरस जो है यहां पे 3 और 5 दो वैलेंसी दिखाया। यहां पे क्वेश्चन आता है बेटा स्कूल लेवल एग्जाम में, व्हाई PCl5 एग्जिस्ट वेयर एज NCl5 डजंट, या तो व्हाई फास्फोरस कैन सो पेंटावैलेंसी वेयर एज नाइट्रोजन कैन नॉट। द रीजन एक ही है बेटा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल था और इसके पास ये अनपेयरिंग होना चाहता था। अब अनपेयरिंग होने के लिए एनर्जी कहां से मिला, ये जो 3 क्लोरीन यहां पे ओवरलैप किए उनके अंदर अट्रैक्शन हुआ, वहां पे एनर्जी रिलीज हुई, वही एनर्जी ऑब्जर्व करके यहां पे एक्साइट हो गया, तो यहां पे फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अनपेयर्ड आ गया तो उसका काम है पेयर्ड होना, अब और 2 क्लोरीन आके ओवरलैप कर गए। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर यहां पे हम बात करें ये पहले 3 बॉन्ड बन चुका है और ये बाद में आके बना, अब जब बाद में ये क्लोरीन आके बन रहा होगा ऑलरेडी जो 3 क्लोरीन बने होंगे वो भी थोड़ा रिपल्सन देंगे उसको, तो यहां पे ये और टाइटली बॉन्डेड नहीं हो सकते हैं, ये लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे। जो यहां पे जो बॉन्ड बना, ये नीचे जो बॉन्ड बना, अब साइड में जो बॉन्ड बना ये ClClCl है बेटा। अब ये जो 3 बॉन्ड है ना इसको इक्विटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं, ये बॉन्ड इसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। अब ये जो बने ये और ये इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। तो PCl5 में बेटा 2 टाइप का बॉन्ड्स एग्जिस्ट करता है, एक होता है इक्विटोरियल बॉन्ड जो यहां पे होते हैं और 2 होता है एक्सियल बॉन्ड जो सेकेंड टाइप है, 2 एक्सियल 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो देख के तुम्हें लग रहा होगा ये बॉन्ड लेंथ इसका छोटा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो ये तो ऑब्वियस बात है ना बेटा, जब ये 3 पहले आके जुड़ गए तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, मेरा हाथ का मूवमेंट को देखो, अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो नजदीकियां बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ घटा। लेकिन जब ये बाद में आके बने तो उतना ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्टेट हो चुका होगा। देखो ये 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब जब ये 3 फिर से आ गए, 5 3 8 ऑक्टेट हो चुका है, तो वो बॉन्ड बनाना नहीं चाहता था, लेकिन अट्रैक्शन होने से क्या हुआ, जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब कर लिया तो एक्साइट हो गया, अब एक्साइट हो गया तो अनपेयर्ड हो गया, अब अनपेयर्ड हो गया तो बॉन्ड बना दिया, लेकिन कोई इंटरेस्ट तो था नहीं ना बेटा, इसीलिए लूजली बॉन्डेड होंगे। अगर कोई कहीं पे स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो नजदीक आएंगे तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, अगर
मन में नहीं था लेकिन मजबूरन बना दिए तो वीक बॉन्ड बना होगा। अब वीक बॉन्ड बना होगा तो लूजली बॉन्डेड तो दूर दूर रहे होंगे तो इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। इसलिए लंबा देखो, ये लंबा दिख रहा है, ये थोड़ा शॉर्ट देखो, ये शॉर्ट है लेंथ, ये लॉन्ग है। अब इस बात का प्रूफ क्या है कि इनके अंदर बॉन्ड एनर्जी कम है? इस बात का क्या प्रूफ है ये बॉन्ड बनाना नहीं चाहता? तो रीजन इज और द कॉन्सेप्ट क्या है देखो, तो कॉन्सेप्ट ये है बेटा, जब हम PCl5 को हीट करते हैं, PCl5 को जब हीट करते हैं बेटा, तो अगर ये पांचों बॉन्ड PCl 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 पांचों बॉन्ड अगर इक्वल एनर्जी का होता, इक्वल स्ट्रेंथ का होता, तो या तो पांचों टूट जाते या तो कोई नहीं टूटता। लेकिन देखा गया यहां पे जब इसको हीट किया जाता है बेटा तो यहां पे ऐसे करके टूटता है PCl3 एंड Cl2। इसका मतलब क्या है, ये जो तीन बॉन्ड है जो पहले बन चुका था वो तीनों बॉन्ड स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इसीलिए तो फॉस्फोरस से अलग नहीं हुआ। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों बाद में बने थे, वीक था। अब तुम लोग जानते हो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो अगर मैं बात करूं बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ है। अब इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो फिर स्ट्रेंथ घटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो स्ट्रेंथ घटा, इसलिए क्या हुआ वो वीक बन गए, अब टूट गया है कि नहीं। तो ये हो गया PCl5 का, ये हो गया फास्फोरस का पेंटावैलेंसी का बाद, और इस चीज को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑक्टेट। क्या होता है एक्सटेंडेड ऑक्टेट, यहां पे जब पांच इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस सेल में, अब जब यहां पे तीन इलेक्ट्रॉन आया, एक दो तीन पांच तीन आठ हो गया, ऑक्टेट हो गया, तो PCl3 इज विद इन द ऑक्टेट और इट हैज सैटिस्फाइड द ऑक्टेट रूल। लेकिन यहां पे देखो सब लोग, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन यहां हो गया एक क्लोरीन को लेके, यहां पे दो चार दो छह दो आठ दो दस, तो PCl5 में फास्फोरस के वैलेंस सेल में हो गया 10 इलेक्ट्रॉन बेटा। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑक्टेट। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंडेड ऑक्टेट। एक्सटेंडेड ऑक्टेट जो है वो जनरली एक्सटेंडेड ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स थोड़ा बहुत अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि PCl5 PCl3 में अगर हम पूछे कौन ज्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली PCl3। इस बात का क्या गारंटी है, तुम बोलोगे सर क्या गारंटी है दोनों में से ये स्टेबल है? देखो इसको हीट करने से ये टूट गया, लेकिन इसको हीट करने से, अब हीट कंटेनर के अंदर तो होगा ना हीट एनर्जी, अब अगर ये फर्दर नहीं टूट रहा है इसका मतलब स्टेबल है। जिसको हीट अप्लाई करने से टूट जाता है वो अनस्टेबल, अब जिसको हीट अप्लाई करने से नहीं टूटता है वो स्टेबल है। तो इसलिए स्टेबल क्योंकि इसमें ऑक्टेट हुआ है, और ये अनस्टेबल क्योंकि इसमें ऑक्टेट एक्सटेंडेड हो गया, ऑक्टेट नहीं चाह के भी उसमें वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। तो ये हुआ PCl5 का कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ सबको? चलो इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो। अब जो ओवरलैपिंग होगा बेटा, ओवरलैपिंग दो टाइप का होता है ना, मैं थोड़ा चक रख दूं फिर मैं तुम्हें बताता हूं। जो ओवरलैपिंग होता है बेटा वो दो टाइप का है, ध्यान से देखना। सोचो ये एक ऑर्बिटल है और ये इसका हेड है, अब ये भी एक ऑर्बिटल है ये इसका हेड है। तो जब ओवरलैपिंग होगा, दो टाइप का ओवरलैपिंग होता है बेटा, सोचो ये जब ओवरलैपिंग हुआ, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाना, ये ओवरलैपिंग हुआ। अब ये ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होता जाएगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता जाएगा। अब ये इस ऑर्बिटल का मैंने बोला, ये हाथ को मैंने एक ऑर्बिटल दिया, इस हाथ को भी एक ऑर्बिटल दिया, और ये जो इसका मुट्ठी है, ये जो है ये इसका क्या है, हेड है। तो ये हेड के ऊपर हेड चढ़ गया, तो इसका मतलब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है तो फिर ये वाला ओवरलैपिंग होगा। ये ऑर्बिटल का हेड है, ये इसका साइड है, अब ये इसका साइड है, ये इसका हेड है। अगर ऐसे ओवरलैपिंग हुआ बेटा तो फिर ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, अगर ऐसे ओवरलैपिंग हुआ तो फिर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ। अब अगर तुम मुझे बताओगे ये बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा या ये बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, तुम बोलोगे बिल्कुल सर ये बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, देख के ही लग रहा है स्ट्रांग बॉन्ड। तो इसका मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है बेटा उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं बेटा पाई बॉन्ड, है ना। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना सिग्मा बॉन्ड और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना पाई बॉन्ड। तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रांग है, क्योंकि इसका ओवरलैपिंग एरिया अगर देखोगे तो फिर सिग्मा बॉन्ड का ज्यादा होता है पाई बॉन्ड से, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो है उसको स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है। तो क्वेश्चन आता है जब बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए ही बनता है तो फिर सिग्मा बॉन्ड जब बन गया तो पाई बॉन्ड बना ही क्यों, तो पाई बॉन्ड बना ही क्यों? जैसे ऑर्बिटल का अगर हम ओरिएंटेशन का बात करें तो ऑर्बिटल जो जैसे एस ऑर्बिटल होता है बेटा वो स्फेरिकल होता है, उसका तो कोई साइड होता ही नहीं है। तो एस ऑर्बिटल जहां पे भी है बेटा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। कमिंग फॉर द पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल बेटा डंबल शेप का होता है ना,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तुम लोग पढ़े होंगे, तो ये डंबल सबका होता है। डंबल जो है, और वो कितने टाइप के होते हैं बेटा? पी ऑर्बिटल तीन टाइप के होते हैं, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, और एक पी जेड होता है। ध्यान से देखना, मैं तुम्हें दिखाता हूं क्यों पाई बॉन्ड बनता है। जब पाई बॉन्ड अनस्टेबल है तो पाई बॉन्ड बनता क्यों है? सब लोग ध्यान से देखना। ये देखो, ये मैं लिया एक नाइट्रोजन एटम। सोचो मैं यहां पे एक नाइट्रोजन एटम लिया, या तो मैं N2 मॉलिक्यूल लिया, N2। अब ये N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N तुम्हें पता है। अब ये तीन बॉन्ड में से कौन सिग्मा कौन पाई होगा, सब लोग ध्यान से देखना। अब यहां पे N के साथ सात इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2 एंड 2p3, राइट। अब यहां पे बेटा दो इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पे है तीन इलेक्ट्रॉन, है ना। अब दूसरा नाइट्रोजन आया बेटा, अब सेकेंड नाइट्रोजन हैज आल्सो सेवन इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एज 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो यहां पे ये दो तो पेयर्ड है। मैंने बोला पेयर्ड का कोई काम नहीं, पहले अनपेयर्ड पेयर्ड हो जाए, फिर अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा तब जाके फिर डीपेयरिंग और अनपेयरिंग, देन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। अब इनके अंदर ओवरलैपिंग हुआ, इनके अंदर ओवरलैपिंग हुआ बेटा, इनके अंदर ओवरलैपिंग हुआ। इसका भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल। इनमें से एक पी एक्स होगा, एक पी वाई होगा, एक पी जेड होगा। अब पी एक्स पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग क्या होगा? पी वाई पी वाई के साथ, पी जेड पी जेड के साथ। तो यहां पे जो तीनों ओवरलैपिंग हुआ बेटा, यहां पे तीन पी पी ओवरलैपिंग हुआ, पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हुआ बेटा। अब मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें क्यों सिग्मा के साथ पाए बनता है। सब लोग अभी ध्यान से देखो, सब लोग देखो अभी। सोचो ये एक नाइट्रोजन एटम है बेटा। अब तुम जानते हो पी एक्स पी वाई पी जेड का नाम ऐसे क्यों रखा गया? क्योंकि पी एक्स एक्स एक्सिस में लाया करता है, पी वाई वाई एक्सिस में, और पी जेड जेड एक्सिस में। सोचो ये मेरा मिडिल फिंगर जो है, ये तुम्हारा पी एक्स है। अब ये जो है बेटा पी वाई है, और थंब जो है वो पी जेड है। अब ये सबके अंदर 90 डिग्री का एंगल है। अब सोचो ये उंगली जो है ये यहीं से निकला, है ना, ये उंगली जो है यहीं से निकला, और सबके अंदर एक ही पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक ही है, और वहां पे यहां पे पी एक्स, ये पी वाई, ये पी जेड। अब ये जो टिप है ना उंगली का, ये है उनका हेड। तो ये एक नाइट्रोजन एटम जहां पे पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। अब दूसरा नाइट्रोजन एटम, ये जो मिडिल फिंगर है वो अगेन पी एक्स, ये पी वाई, ये पी जेड। अब सोचो दो एटम एक दूसरे से जब कोलाइड करेंगे तब तो बॉन्ड बनेगा ना बेटा। अब ये दो एटम कोलाइड किए, ध्यान से देखना, मैं बोला ये टिप जो है वो हेड है। अब जब ये आके ऐसे ओवरलैप किया, सब लोग अच्छे से देखना बेटा, यहां पे जो है ये ओवरलैप कर गया। कौन सा ओवरलैप किया? हेड ऑन ओवरलैप किया, हेड ऑन। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अब मुझे बताओ बेटा, क्या ये, मैंने इसको पी एक्स लिया, इसको पी वाई, इसको पी जेड, क्या पी वाई पी वाई कभी हेड ऑन ओवरलैप कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दे आर रनिंग पैरेलली। क्या दो पैरेलल लाइन कभी मैच करेगा? नहीं करेगा। अब ये जो थंब देखो, ये पी जेड पी जेड, ये कभी मैच करेगा? नहीं करेगा। अगर ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया तो ये दोनों क्या होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं, लेकिन हेड टू हेड तो नहीं कर सकते ना, है ना। ये ऑर्बिटल है बेटा, सांप नहीं कि ऐसे आ गया, है ना। ये ऐसे तो कभी आ नहीं सकते। ये जो है, ये अगर कोई एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया तो मजबूरन बाकी को पाय बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसको भी पाय बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि हेड टू हेड अप्रोच किए ही नहीं। क्योंकि इसका हेड आगे जा रहा है, इसका हेड आगे जा रहा है, तो हेड टू हेड आएंगे तब तो कोलाइड करेगा, तब तो जाके ओवरलैपिंग करेगा। अब ये बना दिया सिग्मा, अब बिल्कुल ये पाई बनाएगा। तुम बोलोगे सर इतने सारे गैप हैं कैसे बना दिया? अब आटम तो इतने छोटे आटम्स होते हैं, इतने छोटे साइज के होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर गैप भी बहुत कम होता है। तो ये ऐसे ओवरलैपिंग जो हुआ इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, और ऐसे ओवरलैपिंग जब होगा इसको हम पाई बोलेंगे। ये भी ऐसे ही ओवरलैप करेगा, तो इसका मतलब N2 के अंदर टोटल तीन बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड बना? हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब ये होगा सिग्मा, और ये क्या होगा? पाई। ये क्या होगा? पाई। तो इसका मतलब यहां पे टोटल बना कितना बॉन्ड? टोटल बना तीन बॉन्ड, लेकिन एक ही बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी दो पाई, है ना। अब ये पाई बनाना नहीं चाहता था, जैसे PCl5 में P5 बॉन्ड बनाना नहीं चाहता था, अब अनपेयरिंग हो गया तो बना दिया। ऐसे ही यहां पे नाइट्रोजन जो है वो पाई बॉन्ड बनाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उसका ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन ऐसे था ताकि वो दोनों के अंदर वो हेड टू हेड मैच नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वो सिग्मा एक बनाएगा और पाई बनाएगा। अगर कभी दो बॉन्ड बनता, सोचो दो बॉन्ड बनता, दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होते, पी एक्स पी वाई दो ही होते, तो यहां पे पी पी अगर ओवरलैप कर गया, अब सिग्मा बना दिया, ये क्या बनाएगा? पाई। तो इसका मतलब दो एटम के अंदर एक ही सिग्मा बन सकता है बेटा। अब एक से ज्यादा बॉन्ड हुआ तो वो पाई बन जाएगा। अब पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड ही है, लेकिन मजबूरन बना रहा है,
तो एक क्वेश्चन जनरली बच्चे मुझे पूछते हैं, सर ये जो ओवरलैपिंग सिग्मा हुआ क्या जरूरी है पीएक्स पीएक्स का ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि मैंने इसको पीएक्स लिया, इसको पीवाई लिया, इसको पीजेड लिया, तो जरूरी है क्या या ऐसे होगा? तो आंसर इज नो, जरूरी नहीं है कि पीएक्स पीएक्स सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर सोचो दो एटम ऐसे एक्स एक्सिस में कोलाइड कर रहे हैं, तो पीएक्स पीएक्स हेड टू हेड पहले मैच किया, पहली बार जो मैच कर गया बेटा वो सिग्मा बना दिया, बाद में जो बॉन्ड बनाएगा वो साइड वाइज होके पाई होगा। अगर दो एटम एक्स एक्सिस में आ रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तब पीएक्स पीएक्स से सिग्मा बनेगा बेटा, तब पीवाई पीवाई पाई बनाएगा, पीजेड पीजेड भी पाई बनाएगा। सोचो एक एटम सामने से आ रहा होगा, ये है मेरा पीवाई एक्सिस, पी वाई ऑर्बिटल, अगर सामने से आ रहा है, सामने से आ रहा है तो देखो, सामने से अगर आ रहा है तो ये जो है, ये मैंने इसको पी वाई लिया हुआ था, तो सामने से आ रहा है बेटा, तो ये जो है हेड ऑन ओवरलैप कर गया, अब थंब देखो क्या है, पैरेलल है, अब पीजेड पीजेड। अब अगर पी वाई सिग्मा बनाता है तो पी वाई क्या बनाए, पीजेड पीजेड क्या बनाएगा बेटा, बिल्कुल ये पाई बनाएगा। अब यहां पे ये वाला मिडिल फिंगर देखो, ये भी पैरेलल है। अगर ये ऐसा नहीं हो के सोचो ये एटम आसमान से टपका ऐसे ऐसे, अगर ऊपर से टपका तो ये जेड एक्सिस जो है पीजेड जो है वो हेड ऑन ओवरलैप करेगा, तो ये वाला देखो बेटा, तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, मिडिल फिंगर भी पैरेलल है। तो यहां पे इसका मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा वो पहला ओवरलैपिंग से सिग्मा बन जाता है, बाकी जो ओवरलैपिंग है उससे पाई बनेगा, और पहला जो ओवरलैपिंग हुआ वो पीएक्स पीएक्स हो सकता है, पीवाई पीवाई हो सकता है, पीजेड पीजेड हो सकता है, लेकिन पहला ओवरलैपिंग जब सिग्मा हो चुका है तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल पाई होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन के अंदर कितना सिग्मा कितना पाई है, तो ऑब्वियसली एक सिग्मा और एक एक दो एक सिग्मा और दो पाई होगा। अगर मैं O2 बोला बेटा, बहुत ही सिंपल है, इसको ऐसे ही लिख लो, एक सिग्मा एक पाई, एक ही सिग्मा दो एटम के बीचों बीच, दो एटम के बीचों बीच सिर्फ एक ही सिग्मा बन सकता है, बाकी सारे पाए। तुम बोलोगे सर अगर मैं अब ये अगर लिख रहे हैं तो आप F2 बताइए क्या होगा, तो F और F के साथ तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्यों ऐसा है? कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है सर तीन ही बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है तो 3 बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के साथ वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है 8 बनाने के लिए तो 2 बॉन्ड बनाया, अब फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए 1 बॉन्ड बनाया, लेकिन जब 1 बॉन्ड बनाएगा बेटा बिल्कुल वो हेड ऑन ओवरलैपिंग और सिग्मा ही बनाएगा। देखो यहां पे मैंने 1 बॉन्ड जो सिग्मा है, 2 बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई है, 3 बॉन्ड जो 1 सिग्मा 2 पाई है, इसका मतलब क्या है, दो एटम के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम सिग्मा एक ही होता है और बाकी जो पाई होता है बाकी पाई होगा। तो मुझे बताओ सिग्मा और पाई में से कौन सा बॉन्ड अकेला रह सकता है, देख लो सिग्मा और पाई में से कौन सा अकेला रह सकता है, ये और ये, सिग्मा ही अकेला रह सकता है, तो सिग्मा क्योंकि अकेला रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब पाई बिना सिग्मा का नहीं रह सकता है, पाई बॉन्ड बिना सिग्मा का नहीं रह सकता है, अकेला रहेगा तो सिग्मा, दो है तो एक सिग्मा एक पाई, तीन है तो एक सिग्मा दो पाए, तो सिग्मा बॉन्ड मिनिमम और मैक्सिमम एक है। अगर पूछा जाए दो एटम के बीच में कितना पाए बॉन्ड होगा, तो बोलना दो एटम के बीच में पाए बॉन्ड मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड मिनिमम और मैक्सिमम दो एटम के बीच में एक ही हो सकता है, लेकिन पाए बॉन्ड दो एटम के बीच में मिनिमम हो सकता है 0, जैसे कि यहां पे हुआ नहीं। अब यहां पे एक सिग्मा एक पाई हुआ, यहां पे दो पाई हुआ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का सिग्मा और पाई कैलकुलेशन जो है वो एग्जाम में पूछता है, तो नेक्स्ट की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं, और इसके लिए एक शानदार ट्रिक भी है बेटा।